हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, आज मिलाद को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं अरशद खान और वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी एक्साइटेड होने वाली है। आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं जी विराट कोहली और बाबर आजम का। वीडियो का नाम है विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम कंपैरिजन, हाउस कार कलेक्शन एंड रिकॉर्ड्स एंड नेटवर्क। आज की वीडियो में तमाम चीजों के बारे में, बाबर आजम का और विराट कोहली के घर का, गाड़ियां और कितनी उनकी जायदाद है और उनके रिकॉर्ड्स क्या हैं, सब चीजों के बारे में हम मालूमात देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम दो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन करने वाले हैं। विराट अगर इंडिया में किंग कोहली के नाम से मशहूर है, तो बाबर को भी पाकिस्तान में किंग बाबर के नाम से पुकारा जाता है। इन दोनों के बहुत से ऐसे फैन भी हैं। इनके क्रिकेट के सफर के साथ साथ इनके कार कलेक्शन और लाइफस्टाइल के बारे में भी जानना चाहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम का जन्म 15 अक्टूबर 1994 को लाहौर, पंजाब में हुआ। 2023 के हिसाब से अब इनकी उम्र 29 साल है। बाबर को प्यार से बॉबी भी बुलाते हैं। दोनों वर्ल्ड क्लास। बाबर आजम का बचपन काफी गुर्बत में गुजरा। बाबर को अपने कजन कामरान अकमल और उमर अकमल की वजह से क्रिकेट से लगाव हुआ। बाबर आजम की घर की माली हालात खराब होने की वजह से बाबर को ग्राउंड के बाहर खड़े होकर बॉल बॉय की नौकरी भी करनी पड़ी और साथ में क्रिकेट की प्रैक्टिस भी जारी रखी। अपनी मेहनत और लगन की वजह से 2006 में इन्हें जरई तरक्याती बैंक लिमिटेड क्रिकेट टीम में लिया गया। आगे चलते हुए इन्हें 2015-16 साल की उम्र में पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिला। बस यही से इनकी कामयाबी का सफर शुरू हुआ और आगे चलकर दुनिया का नंबर वन प्लेयर बना। अब जरा बाबर आजम की कार कलेक्शन पर नजर डालते हैं। बाबर लग्जरी कार्स के काफी शौकीन है। हाल ही में बाबर आजम ने ऑडी ए-ट्रॉन जीटी खरीदी है। ये बाबर की पसंदीदा और सबसे महंगी कारों में से एक है, जिसकी इंडियन करेंसी में प्राइस 2.5 करोड़ है और पाकिस्तान में 8 करोड़ के करीब है। दूसरी इनके पास है ओडी A5, जिसकी इंडियन करेंसी में इस वक्त वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख है और पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज़्यादा। तीसरी इनके पास है ब्लैक ह्युंडई सनाटा, जिसकी प्राइस 90 लाख है। और दोस्तों, बाबर आजम के पास रेड बेस प्लस जीप भी है, जिसकी प्राइस 1 करोड़ है। अब ज़रा बाबर आजम की हाउस की बात करते हैं। बाबर अपनी फैमिली के साथ लाहौर, पंजाब में रहता है। लाहौर में इनका एक बड़ा खूबसूरत हाउस है। हाउस को बहुत ही बारीकी लग्जरी डिज़ाइन से तैयार कराया गया है, जिसमें जिम, स्विमिंग पूल, गार्डन और ज़रूरत की तमाम तर फैसिलिटीज़ मौजूद है। बाबर की हाउस की एग्जैक्ट प्राइस तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हाउस की प्राइस 20 करोड़ से ज़्यादा है। बाबर की ज़्यादातर इनकम क्रिकेट से आती है। बाबर ए ग्रेड के प्लेयर है, जिसे पीसीबी इन्हें मंथली 4 मिलियन सैलरी अदा करता है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 40 लाख से ज़्यादा है। बाबर पीएसएल का एक सीज़न खेलने के 5 करोड़ चार्ज करते हैं और साथ ही साथ बाबर आजम कई सारे ब्रांड्स के एम्बेसिडर भी हैं, जैसे ओप्पो, हेड एंड शोल्डर्स, HBL, क्रेडिट बुक और पेप्सी जैसे बड़ी ब्रांड्स की प्रमोशन करते हैं। बाबर सिर्फ एक ब्रांड के प्रमोशन के 3 करोड़ चार्ज करते हैं। बाबर की ईयरली इनकम 10 से 12 करोड़ है और इन्होंने कई इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है, जिससे इनकी काफ़ी अच्छी कमाई हो जाती है। बाबर इतना सारा पैसा सिर्फ खुद के लाइफस्टाइल पर नहीं खर्च करते हैं, बल्कि बाबर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा चैरिटी के नाम भी करते हैं। बाबर की टोटल नेटवर्थ $8 मिलियन है, जो रुपीज़ में 125 करोड़ बनते हैं। अब आती है विराट कोहली की बारी। विराट का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ। 2023 के हिसाब से अब इनकी उम्र 35 साल है। विराट को प्यार से चीकू भी बुलाते हैं। दोस्तों, विराट को बचपन से क्रिकेट से काफ़ी लगाव था। जब विराट सिर्फ 4 से 5 साल के थे, तो बैट उठाकर अपने फादर से बॉल कराने को कहते। क्रिकेट से लगाव होने की वजह से इनके फादर ने इनकी क्रिकेट क्लब में एडमिशन कराई। विराट बहुत मेहनती थे और अपनी मेहनत की बदौलत आगे चलकर इन्हें दिल्ली क्रिकेट टीम ने लिया। दिल्ली क्रिकेट टीम में इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही।
और आगे चलकर इन्हें 2008 20 साल की उम्र में इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिला। 2011 में इन्होंने अपनी टीम को आईसीसी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जितवाने में मदद की। 2013 में इन्हें अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया। 2017 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। अब बात करते हैं विराट की कार कलेक्शन की। इतने बड़े प्लेयर के पास लग्जरी कार्स ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। विराट के पास एक या दो नहीं बल्कि 10 से ज़ायद कार्स मौजूद है। विराट के पास है बेंटली कॉन्टीनेंटल जीटी। ये विराट की पसंदीदा और सबसे महंगी कारों में से एक है, जिसकी इंडियन करेंसी में प्राइस 4 करोड़ है और पाकिस्तान में तो 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। दूसरी इनके पास है रेंज रोवर वोग, जिसकी प्राइस 2 करोड़ 20 लाख है। तीसरी इनके पास है फ्लाइंग स्पोर, जिसकी प्राइस 1 करोड़ 70 लाख है। चौथी इनके पास है ओडी R8 LMX, जिसकी प्राइस 3 करोड़ है। पांचवी इनके पास है ओडी R8 V10 प्लस, जिसकी प्राइस 2 करोड़ 80 लाख है। इसके अलावा विराट के पास ओडी A8L, ओडी Q8, ओडी RS5, ओडी S5 और ओडी Q7 भी मौजूद है। इन सब कार्स की प्राइसेस 1 करोड़ से ज़्यादा है। यही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट के पास खुद का एक अपना प्राइवेट जेट भी है, जिसकी प्राइस 125 करोड़ है। विराट महंगी वॉचेस के भी काफ़ी शौकीन है। इनके पास एक रोलेक्स की वॉच है, जिसकी प्राइस 60 लाख है। अब ज़रा विराट के हाउस पर नज़र डालते हैं। विराट के पास एक नहीं बल्कि 3 हाउसेज हैं। इस वक्त विराट अपनी फैमिली के साथ मुंबई ओमेकार अपार्टमेंट के 35वें फ्लोर में रहता है। विराट का ये हाउस 7,000 स्क्वायर फीट पर पहला हुआ है, जिसमें ज़रूरत की तमाम तर फैसिलिटीज मौजूद है। इस हाउस की प्राइस 34 करोड़। विराट का दूसरा हाउस गुड़गांव में है। ये हाउस 4,500 स्क्वायर फीट पर फैला हुआ है, जिसमें जिम, स्विमिंग पूल और गार्डन भी मौजूद है। इस हाउस की प्राइस 80 करोड़ है। और दोस्तों, विराट का एक हाउस दिल्ली अली बाग में भी है। दिल्ली हाउस की प्राइस 19 करोड़ है। विराट की ज़्यादातर इनकम क्रिकेट ब्रांड इंडोर्समेंट्स और बिजनेस से आती है। विराट को BCCI अर्ली 15 करोड़ सैलरी अदा करता है। विराट IPL का एक सीज़न खेलने के 16 करोड़ चार्ज करते हैं। विराट एक टेस्ट मैच के 15 लाख चार्ज करते हैं, एक ODI के 6 लाख और एक T20 के 3 लाख चार्ज करते हैं। विराट कई मशहूर कंपनियों के ब्रांड एम्बेसिडर भी है, जैसे पेप्सी, हेल्ड एंड शोल्डर्स और नेस्ले इंडिया जैसी ब्रांड्स को प्रमोट करता है। दोस्तों, आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि विराट एक ब्रांड के प्रमोशन के 19 करोड़ चार्ज करते हैं। विराट इतना सारा पैसा सिर्फ अपने पास नहीं रखते, बल्कि विराट VKF के नाम से एक फाउंडेशन भी चलाते हैं। ये फाउंडेशन गरीब बच्चों की फ्री तालीम, बीमार बच्चों का फ्री इलाज और गरीब आवाम की खाने पीने की ज़रूरियात पूरी करता है। विराट की नेटवर्थ की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इनकी टोटल मालियत 122 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स है, जो रुपीज़ में 1,050 करोड़ के करीब बनते हैं। दोस्तों, ये थी बाबर आजम और विराट की कंपैरिजन की वीडियो। क्या इन दोनों का कंपैरिजन बनता है, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो में बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन बताया गया, जो कि मेरे हिसाब से तो नहीं बनता, क्योंकि विराट कोहली वो यहाँ पर है। बाबर आजम को जो पाकिस्तानी आवाम है, जो हम लोग उसको यहाँ लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो यही है। वैसे बाबर आजम अपनी जगह पे किंग है, विराट कोहली अपनी जगह पे किंग है। और अगर इनकी जैसे प्रॉपर्टीज और कार कलेक्शन और रिकॉर्ड्स के मामले में थोड़ा सा बाबर आजम उनका पीछा कर रहे हैं, बाकी करेंसी में अगर देखा जाए तो इंडियन पैसा बड़ा है, पाकिस्तानी पैसा बहुत छोटा है। और दूसरा, इसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, जैसे उनको वहाँ पे बहुत सारी कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, बाबर आजम भी हैं, लेकिन कंपैरिजन के हिसाब से विराट कोहली ऊपर है जी। किंग कोहली वाकई में किंग कोहली, और चैरिटी भी बहुत ज़्यादा वो करते हैं,
और मेरे भी फेवरेट हैं विराट कोहली, बाबर आजम भी कोई मैं लाइक करता हूँ, वो भी मेरे फेवरेट है, लेकिन अगर कंपैरिजन अगर देखा जाए तो विराट कोहली है, विराट कोहली नंबर वन है जी तमाम चीजों में, पैसे में भी, प्रॉपर्टी के अंदर, उनका अपना प्राइवेट जेट भी है, तो किंग कोहली इज किंग कोहली। आप क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन बड़ा खिलाड़ी है, कंपैरिजन इनका, कंपैरिजन अगर हो सकता है नहीं हो सकता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Thank you.